हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है PGT एग्ज़ाम है आज, और मैं भी आज सेंटर पे आ चुकी हूँ। तो चमनलाल DAV स्कूल है जहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से भीड़ है, किस तरह से यहाँ पे सभी, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट आ चुके हैं। ठीक है, जो अभी बाकी है वे भी जल्दी आ जाएंगे, और आप लोग भी जल्दी पहुँचिए अगर अभी तक नहीं पहुँचे हो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है, और अभी हमारे साथ एक कैंडिडेट है जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम दे के ये बाहर निकले हैं। तो अब इनसे पूछते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसा गया, इनको कैसा लगा, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया होगा। तो चलिए, फिर सबसे पहले आप अपना नेम बताइए। गीता कटारिया। अच्छा जी, गीता कटारिया, तो बताइए आपका एग्ज़ाम है वो कैसा गया? एग्ज़ाम नॉर्मली गया, ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया। अच्छा। बस ये है कि 10-11 क्वेश्चन अटैम्प्ट। अच्छा, 10-11 ही कर पाए हो आप। और कैसा लगा वैसे एग्ज़ाम? एग्ज़ाम वैसे अच्छा था मैडम। अच्छा, अच्छा बना रखा था, डीपली नॉलेज वाला था। अच्छा, फिर क्वेश्चन तो आपने वैसे कम ही अटैम्प्ट किए। कम ही हो पाए। अच्छा, क्या एक क्वेश्चन कितने पेजेस का आपने ऐसा किया कि सिर्फ 10 या 11 क्वेश्चन कितने किया मैडम? 11 क्वेश्चन है जी, एक प्रैक्टिकल, 10 थ्योरी के। अच्छा, एक प्रैक्टिकल आपने किया, और एक क्वेश्चन है जो वो कितने पेजेस पे आपने किया? इसे 4-3 पेज पर किया। अच्छा अच्छा, इसी वजह से शायद आप कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि आपने पेजेस यहाँ पे 3-4 पेज। हाँ जी। क्या लगता है आपको, क्या चांसेज है? 50-50। चलो भाई, ये तो फिर रिजल्ट ही बताएगा क्या रहेगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो देखिए, अब नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे सामने, सबसे पहले आप अपना नेम बताइए। मेरा नाम अनिल दुग्गल है। अच्छा, और मैं मैडम से पहले मिल चुका हूँ, पहले टाइम जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। अच्छा अच्छा, तो आपने वहाँ? अच्छा अच्छा, हाँ शायद 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 ने मेरे को पहचान लिया। ओके ओके, तो उस टाइम भी। तो सर, अब की बार आपका कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम तो मेरे, शायद मैंने जहाँ से 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और जो पूछना चाह रहा था, जो हम बताना चाह रहे, उसमें मे भी डिफरेंस निकल सकता है, तो मेरी तरफ से तो मैं पूरा करके आया हूँ। अच्छा, बाकी देखते हैं क्या रहेगा। आपको क्या लगता है चांसेस है? चांसेस मैम क्या कहते हैं, अच्छा, उस पे चक्कर पे है। हाँ, टीचर कैसे चेक करता है क्या, कितने मार्क्स देता है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैम 12-13 क्वेश्चन किए। अच्छा, और एक क्वेश्चन कितने पेजेस पे किया? मैम स्टार्टिंग के तो मैंने 5-6 क्वेश्चन तो 1.5 पेज किया है, सिंगल पेज और हाफ, बाकी तो 1-1 पेज की करती है। अच्छा अच्छा, मतलब कि 2 पेजेस टाइम। हाँ, मैं समझ गई, वो आप शीट बोल रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है, 1.5 सीट लगा लो। हाँ हाँ हाँ, 1.5 सीट की है मैंने, और लास्ट के तो फिर मैं 1-1 पेज सिंगल सीट किया है दोनों साइड से। तो चलिए, अच्छा ही होगा। आपका कैसा हुआ? मेरा भी अच्छा हुआ है, कोशिश तो की है, वही है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो डिपेंड करेगा, चेकर पे डिपेंड करेगा कि वो उसके क्या थिंकिंग है, वो क्या सोचेगा। मैं तो आपसे ही उम्मीद करूंगा हम दोनों इंटरव्यू में मिले। ठीक है ठीक है, जरूर। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे एक और कैंडिडेट है, और उनसे पूछते हैं। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राखी है, मैं रेवाड़ी से आई हूँ। ओके, तो कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम? मैम एवरेज रहा, 11th क्वेश्चन हुए हैं बस। अच्छा, 11 क्वेश्चन ही कर पाए? 11। कितने पेजेस पे किए थे क्वेश्चन? पहले तो मैंने 3 और 4 पेज में किए थे, पहले के 3-4 क्वेश्चन, तो लेकिन बाद में मैंने 2-2 पेज में करना स्टार्ट किया था 4 बजे के बाद। वैसे आपको कैसा लगा पेपर, ईजी, मॉडरेट या फिर टफ? नहीं, टफ ही था पेपर तो, घुमा रखा था। अच्छा, तो कंप्लीट आप भी नहीं कर पाए? नहीं, कंप्लीट नहीं। क्या लगता है आपको, क्या चांसेस है? चांसेस तो देखो अभी क्या होता है, डिपेंड करेगा चेक करने वाले पे। अच्छा अच्छा। तो देखिए, यहाँ पे 2-3 कैंडिडेट्स हैं जिनसे हमने बात किया है। तो फिलहाल अभी जिन भी कैंडिडेट से बात की है, मेरी 3 कैंडिडेट से यहाँ पे बात हुई है, तो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली कहा कि वे जो पेपर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आप लोग भी मुझे बताना कि भाई कितने बच्चे हैं जिन्होंने 15 के 15 क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट किए हैं, या फिर इसी के साथ वे भी बताना जो अपना जो पेपर वो कंप्लीट नहीं कर पाए, और साथ ही साथ ये बताना कि भी आपको पेपर कैसा लगा। ठीक है, तो अब डिपेंड करेगा भाई जब रिजल्ट आएगा। वैसे तो 35% का ही क्राइटेरिया है यहाँ पे, लेकिन HPSC की मार्किंग, जैसे कि आप सभी को पता है, काफ़ी हार्ड मार्किंग है, तो उसको देखते हुए अभी देखना है कि भाई क्या बच्चे 35 भी स्कोर कर पाएंगे। या फिर अगर मैं कॉमर्स की बात करती हूँ, तो PGT कॉमर्स में कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो यहाँ पे मेरिट बनने के भी चांसेस है। तो ये जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो एक कैंडिडेट और हमारे सामने, अभी इन्होंने एग्जाम दिया है और ये बाहर निकले, तो इनसे और पूछते हैं कि इनका एग्जाम कैसा रहा। तो बताइए सर, पहले अपना नेम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। ओके सर, तो कैसा रहा आज आपका एग्जाम? एग्जाम ठीक था, बट थोड़ा लेंथी था। क्या कंप्लीट हुआ आपका? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन कर पाए क्वेश्चन, क्योंकि लेंथ ज्यादा थी क्वेश्चन। और जो 12 क्वेश्चन किए, तो वे कैसे गए आपके, बिल्कुल अच्छे गए हैं या फिर?
एक्चुअली नहीं, फर्स्ट 9-10 क्वेश्चन तो 8-9 क्वेश्चन तो ठीक हो गए थे, बट लास्ट में 3 क्वेश्चन जो किए वो खींच के किए, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं दे पाया उनको मैं, क्योंकि जस्ट सिर्फ आधा घंटा बच पाया था उनके लिए, तो टाइम ज़्यादा लगा उस पर। क्योंकि आपने पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी या नहीं? मैंने ज़्यादा नहीं की, लेकिन कम प्रैक्टिस थी मेरी, राइटिंग प्रैक्टिस तो ज़्यादा नहीं थी। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, न्यूमेरिकल एक मैंने शेयर वाला किया था। अच्छा, वैसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की थी? हाँ, न्यूमेरिकल में, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो प्रैक्टिस थी मेरी। अच्छा, फिर तो आपके अच्छे ही गए होंगे, टीचर है तो। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या चांसेज है? देखो, मैंने ऑल ओवर सबसे पूछा है, सब लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया कि हम 9 to 10 या 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए हैं। मुझे 12 वाला भी कोई नहीं मिला जिन्होंने कहा कि मुझे 12 क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट हो गए हैं। मैंने 5-7 लोगों से व्यू लिया है तो सभी यही कह रहे हैं कि बस 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए उनके। जी, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल। अभी मैं भी 4 कैंडिडेट्स का रिव्यू ले चुकी हूँ, तो चारों ने अभी यहाँ पे 11 या फिर आपने मुझे 12 कहा। इससे पहले 2 कैंडिडेट थे उनके 11 ही हुए हैं क्वेश्चन, और 2 कैंडिडेट आप हो एक और है, उसने 12 का। तो मतलब कि 11-12 ही बच्चे कर पाए हैं, तो आई थिंक यहाँ पे 15 क्वेश्चन भी शायद बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होगा, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करती हूँ कि इंटरव्यू में मिले हम लोग। तो देखिए भाई, सभी यहाँ पे आई थिंक मोस्टली अभी 4 बच्चों का रिव्यू लिया है, तो ये 11-12 क्वेश्चन ही कर पाए हैं। तो कंप्लीट अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किन बच्चों ने कंप्लीट किया, ठीक है? और रिजल्ट आप लोगों का जल्दी आ जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।